हरियाणा अपनी बोली अपना चैनल, खबरें जो करती हैं आपके प्रदेश की नुमाइंदगी, खबरें जिनसे जुड़ती है हर खास और आम की जिंदगी, खबरें जानिए उनसे जिनकी जवाबदेही बनती है आपसे, पूरी तैयारी और जिम्मेदारी से जो करते हैं आपके हक की बात, राजीव रघुनंदन के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। हमारे प्रदेश का चुनावी पारा अब थोड़ा थोड़ा चढ़ने लगा है। आरोप प्रत्यारोपों के करंट से चुनावी मौसम की फिजा बदल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने इनेलो पर एक बड़ा आरोप लगा दिया। रामविलास शर्मा के मुताबिक बीजेपी इनेलो की तरफ से गठबंधन के लिए एक बड़ी रकम की पेशकश की गई थी और इनेलो लालच के जरिए, जी हां लालच के जरिए एनडीए में शामिल होना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इनेलो के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। तो इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का कहना है कि रामविलास शर्मा नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। शायद यही वजह है कि उन्होंने ज्यादातर कांग्रेसियों को टिकट दिलाने के लिए लॉबिंग की है। और अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से प्रदेश का दौरा किया और प्रदेश में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या प्रदेश में भ्रष्टाचार वाकई बड़ा मुद्दा बन पाएगा या केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी से बड़ा मुद्दा बना पाएगी। इस सब के अलावा नरेंद्र मोदी भी हरियाणा में कई चुनावी सभाएं संबोधित करने वाले हैं। शनिवार को नरेंद्र मोदी की गुहाना में रैली है, तो 3 अप्रैल को गुड़गांव और कुरुक्षेत्र में नरेंद्र मोदी की जनसभाएं होनी है। इस सब के अलावा फतेहाबाद, झज्जर और भिवानी महेंद्रगढ़ में भी नरेंद्र मोदी की रैलियां होंगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी की रैलियां बीजेपी हजकां के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार उठा पाएंगी। सवाल यह भी होगा कि नरेंद्र मोदी की रैलियों का इनेलो कैसे जवाब देगी। आज की बड़ी बहस में एक महत्वपूर्ण सवाल प्रदेश के चुनावी फैसले से भी जुड़ा होगा। माना जाता है कि प्रदेश का चुनावी फैसला पड़ोसी राज्यों की चुनावी फिजा को प्रभावित करता रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या प्रदेश का चुनावी फैसला दिखाएगा पड़ोसी राज्यों को दिल्ली का रास्ता। एक बड़े पैनल के साथ हमेशा की तरह इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। आप इंडिया न्यूज हरियाणा पर बड़ी बहस के साथ बने रहें। और जल्दी से हम आपका परिचय करा दें अपने पैनल से। आज इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नेता रमन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हमारे साथ प्रेम सिंह खुल्लर साहब है, आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार के बी पंडित साहब है, चैनल हेड इंडिया न्यूज हरियाणा अमित आर्या जी है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेश रोड साहब भी है। इससे पहले कि जो सवाल हमने बड़ी बहस में उठाए हैं उन पर हम चर्चा करें, अब से थोड़ी देर पहले हमें यह खबर मिली कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, नेता हैं, वो हरियाणा के दौरे पर थे। चरखी दादरी में एक शख्स ने उन पर थप्पड़ चला दिया, उनको थप्पड़ मारा। अब सवाल यह है कि हमारी सियासत में अंडे फेंकना, थप्पड़ मारना, जूता उछालना या फिर स्याही फेंकना, इस तरह की घटनाएं कितनी जायज है, एक। और दूसरा सवाल यह कि बार बार अरविंद केजरीवाल के साथ ही ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये घटनाएं क्या इशारा कर रही हैं, जो आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हैं इन घटनाओं के बाद उनमें कितना दम होता है, इस सवाल पर हम रिएक्शन लेंगे अपने पैनलिस्ट का। सबसे पहले हम अमित आर्या जी आपके पास इस चर्चा के लिए आना चाहेंगे, क्यों ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं सर? हमने वाराणसी में देखा अरविंद केजरीवाल पर अंडे फेंके गए, स्याही फेंकी गई, यहां आप ये घटना देख रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में भी हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं, अपने प्रदेश में हम ये अपनी घटनाएं देख चुके हैं, क्या ये इशारा कर रही हैं? योगेंद्र यादव उनके ऊपर भी, उनके ऊपर स्याही पोतने की घटना हुई, क्यों ऐसी घटनाएं आम आदमी पार्टी के साथ हो रही है? आम आदमी पार्टी के साथ कुछ ज्यादा हो रही है मुझे लग रहा है, लेकिन अगर आप वैसे ओवरऑल देखें तो इस प्रकार का सामना अब हर राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता को करना पड़ रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जनता का पेशेंस खत्म हो रहा है, जनता के अंदर नेताओं की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो रही है, समाप्त होने के साथ साथ उनका विश्वास उठा है इस सारे में, सिस्टम पर से विश्वास उठा है। नहीं तो पहले नेता होना, राजीव, नेता होना मतलब गौरव की बात होती थी जी। नेता होना मतलब अगर घर के अंदर कोई नेता हो गया है तो मतलब सब पूरा परिवार ही नहीं, खानदान ही नहीं, वो पूरा इलाका गर्व महसूस करता था कि नेता, और पहले कहा भी जाता था कि नेताजी। आज नेताजी कहना मतलब गाली,
के समान एक तरह का व्यंग शब्द बन गया है नेताजी कह रहा, बहुत नेता बन रहे हो, व्यंग में इस तरह की बात कही जाती है जी। उसका कारण है हमारा राजनीतिक जो हमारा कल्चर है या सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हुआ है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न उठा है। और रही आप आम आदमी पार्टी की और केजरीवाल जी की, इसमें कई बार लगता है कि ये उनका पब्लिसिटी स्टंट भी है, ऐसा भी आरोप लगता है उनके ऊपर या उनकी पार्टी के ऊपर, या इस प्रकार का भी है कि कहीं बहुत ज्यादा अपेक्षा हो गई थी इस पार्टी से और उन अपेक्षाओं पे खरा ना उतरना, उसकी फ्रस्ट्रेशन मुझे लगता है कि पब्लिक के। केबी पंडित जी, आपको इन घटनाओं के पीछे क्या वजह नजर आती है? एक तो समूची सियासत में ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, राजनीति में ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, एक सवाल। और जो अभित जी ने बात कही कि आम आदमी पार्टी के साथ ये घटनाएं थोड़ी ज्यादा हो रही है, क्यों सर? क्या वाकई जो टॉलरेंस है वो खत्म हो चुका है? क्या वाकई नेताओं की क्रेडिबिलिटी दांव पर लगी है? क्या वाकई आम आदमी पार्टी से उम्मीदें थोड़ी ज्यादा थी लोगों को, इसलिए ये घटनाएं भी थोड़ी ज्यादा हो रही हैं? नहीं, इसमें ये अमितारी जी की बात ठीक है, अगर राजनेताओं की साख कम हुई है, उनके प्रति जनता का सम्मान उतना नहीं रहा है, एक चीज। दूसरी चीज ये, एक समाज में लोकतंत्र में कुछ ऐसे तत्व बीच में आ गए हैं जो इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। यदि ये स्वयं कोई राजनीतिक दल करवाता है उसके लिए भी शोभा की बात नहीं है, यदि दूसरे दल अपने किसी कार्यकर्ता को उकसा कर ये करवाते हैं ये भी लोकतंत्र के लिए कोई अच्छे लक्षण नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, लोगों में नेताओं के प्रति आदर होना चाहिए। जहाँ जहाँ ये घटनाएं हुई हैं उसके बाद आम जनता में कोई रिएक्शन नहीं आई, चुप्पी सी रहे, ठीक। इसका मतलब साख का फर्क है। लोग कहते हैं घटनाएं हो रही हैं और नेताओं के प्रति वो सम्मान जिसके वजह से लोगों में जोश आए, गुस्सा आए, नाराजगी आए, आक्रोश आए, वो नहीं मिला है। और केजरीवाल जी के साथ क्यों हो रहा है, उसमें मेरा ये मानना, केजरीवाल जी ने देश की राजनीति में एक अलग किस्म की पहचान बनाई है जी। उन्होंने बहुत से मुद्दे ऐसे उठाए हैं जिसमें समाज उनके साथ खड़ा हो गया था, चाहे वो अन्ना के माध्यम से बैकग्राउंड बनी हो चाहे बाद में बनी हो। लेकिन बाद में जो दिल्ली में सरकार बनी और सरकार के बाद जो इनका रवैया रहा वो बहुत मैच्योरिटी वाला नहीं था, बहुत होशियारी वाला नहीं था। जो जनता की आशाएं थी उन आशाओं से पूरा खड़ा नहीं उतर रहा था और बात ही बात नजर आ रही थी उस पर, उसका प्रैक्टिकल नजर नहीं आ रहा था। तो उससे ये लगता है कि जनता में इनके प्रति निराशा हो और निराशावत कुछ पागलपन, मैं कहूंगा डेमोक्रेसी में पागलपन ही है, इस तरह का जो व्यवहार करता है वो युवा वर्ग कोई गलतियां कर देते हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन ये शोभा की इनकी इसकी निंदा की जानी चाहिए, ये शोभा की बात नहीं है। और नौजवानों को भी और डेमोक्रेसी के प्रेमी जो लोग हैं, लोकतंत्र के प्रेमी, उनको समझना चाहिए, हमको पेशेंस भी होनी चाहिए। जहां हम विरोध करते हैं विरोध सुनने की हमें हिम्मत होनी चाहिए, हमें सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए और नेगेटिव नकारात्मक कोई रवैया नहीं अपनाया जाना। रमन मलिक साहब, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? जब वाराणसी में अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ ये घटना हुई थी तो बीजेपी ने एक सुर में इस तरह की घटनाओं की निंदा की थी। अच्छी बात है, सभी लोग इस तरह की घटनाओं की निंदा करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के साथ ये घटनाएं थोड़ी ज्यादा हो रही है। मलिक साहब, किस नजरिए से आप देख रहे हैं इस तरह की घटनाओं को? पहली बात तो मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इस तरीके की घटनाएं जो हैं उनका साथ किसी को नहीं देना चाहिए और इसको कोई बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये घोर निंदा और भत्सना के काबिल है। लेकिन इससे बड़ा सवाल जो उठता है वो आपने अभी उठाया कि ये घटनाएं अरविंद साहब के साथ ही क्यों हुई जा रही हैं या आम आदमी पार्टी के साथ क्यों हुई जा रही हैं। देखिए, एक सोचने पे मजबूर करता है ये घटनाएं सारी, और घटना चक्र भी इसका आपको सोचने पे मजबूर करता है कि ये क्यों हुआ जा रहा है। क्या ये कहीं इस प्रकार का प्रकरण तो नहीं है कि टीवी में बने रहने के लिए कुछ भी करवाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें इन्हीं के पास वापस जाके लिंक हो गई थी। टीवी में बने रहने के लिए और भी बहुत सारी स्टेटमेंट देते रहते उसके लिए थप्पड़ खाना, उसके लिए कीचड़ उछालना। देखिए, ये आप एक चीज बताइए अमित जी, और मैं आपसे सवाल पूछूंगा, इनके कैंडिडेट है जरनैल सिंह, उनकी क्या, उनका नेम टू फेम क्या है? उन्होंने जूता फेंका था, याद होगा, वो पत्रकार रहे हैं। नेम टू फेम क्या रहा उनका? पत्रकारिता नहीं थी।
वो जूता फेंकना था। ठीक है, उन्होंने एक घटना की उसकी भी निंदा की गई। मैं ये नहीं, आई एम नॉट, लेकिन आप जिस सवाल पर जवाब दे रहे हैं सर कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल साहब का चरित्र, अरविंद केजरीवाल साहब की कथनी और करनी सारी जनता के सामने है। जहां वो क्रांतिकारी और बहुत क्रांतिकारी प्रकरण पे चलते हैं, वहीं वो बोलते हैं लहर नहीं है, और पीछे बोलते हैं लहर तो है। मतलब उनकी कथनी और करनी का फर्क सब देख चुके हैं, लेकिन उसी चीज को लेते हुए पर इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए रमेश जी, इस चीजों को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये चीजें आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास एक विवेक है वो कभी इस तरीके की चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन इशारों इशारों में आप रीजन भी बता रहे हैं कि ये घटनाएं क्यों हो रहे हैं। भाई दिखता तो वैसा ही है, हर एक का पृष्ठभूमि तो आप देखेंगे। हम खुल्लर साहब को यहां चर्चा में लाते हैं। खबरें जो करती हैं आपके प्रदेश की नुमाइंदगी, खबरें जिनसे जुड़ती है हर खास और आम की जिंदगी, खबरें जानिए उनसे जिनकी जवाबदेही बनती है आपसे, पूरी तैयारी और जिम्मेदारी से जो करते हैं आपके हक की बात। राजीव रघुनंदन के साथ इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।